करने के लिए जैसे पुराने वाले टाइम का मैं यूं खड़ा हूं तो यहां पर ऐसे पकड़ के ऐसे और स्लो मोशन में ऐसे बैठा स्लो मोशन में बैठा धीरे धीरे हड्डी मुड़ा अब एक इतनी फास्ट कर सकते हो जैसे आप बोलेंगे सर तो अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कभी वो प्रॉब्लम आई नहीं थी एक सपना बन गया वो कि मैं कभी उस प्रॉब्लम के हां एक वो 3 साल का जो टाइम पीरियड था वो एक सपना बन गया कि मैं कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं झेलूं और घर वाले भी जो हैं आपकी मदद करते हैं सब सरप्राइज सब सरप्राइज और परेशानी भी होती है मेरे रिलेटिव रिलेटिव्स भी हैं जिन्होंने मेरे को सर्जरी से पहले देखा था जी फिर सर्जरी के टाइम पे मेरे को देखने आए थे उन्होंने सिर्फ बेड रेस्ट पे देखा उसके बाद जब अब देखा वो सडनली सरप्राइज सरप्राइज कि इसको कभी कुछ हुआ नहीं और मुझे कोई देखता है मैं उसे बताता हूँ कि भाई मैं तेरे साथ ओवर स्पीड पे नहीं बैठूंगा बाइक पे क्योंकि मैं अपनी ड्राइविंग पे ट्रस्ट कर रहा हूँ तो उसे मैं बताता हूँ कि मेरा रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट हुआ है दोनों जॉइंट चेंज हुआ है ट्रस्ट ही नहीं करता मानते ही नहीं वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है पर हमने स्ट्रेच मार्क्स वगैरह दिला के सर मैंने आगरा में भी ट्राई किया था उन्होंने बोला था कि आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी जी सीढ़ी पे चढ़ना जी कुछ भी जमीन से उठाना आलती पालती नहीं मार पाओगे जमीन पर नहीं बैठ पाओगे ब्लू स्टाइल में नहीं बैठ पाओगे इंडियन टॉयलेट नहीं यूज कर पाओगे शूज के लेजेस वगैरह ये तो इतना झुक ही नहीं पाओगे ये सब नहीं हो पाएगा तो फिर मैंने ये सोचा कि ऐसी सर्जरी करा करके और इतना सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा तो मेरा वैसे छोटा हुआ तो मेरा वैसे छोटा हुआ है सर्जरी के बाद भी मैं पैरालाइज वाली जिंदगी जीऊंगा सर्जरी किस चीज की फिर हम दिल्ली भी गए थे हाँ दिल्ली में भी हमने डॉक्टर से सलाह ली थी तो उन्होंने मेरे को मतलब डरा दिया अच्छा उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर हम आपके दोनों हिप रिप्लेस करते हैं एक साथ तो आपकी जान जा सकती है तो मेरे को वहां पर डर लग गया फिर एक आंटी जी ने आपके बारे में बताया यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी फिर हम आपके पास आए आपसे बात करी तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से लगा कि हाँ मैं अच्छी लाइफस्टाइल जी पाऊंगा आपने एक हिम्मत भी बांधी काफी सपोर्ट भी किया एज अ फ्रेंड एज अ बिग ब्रदर आपने बहुत सपोर्ट किया सब तरीके से हेल्प करी और साथ के साथ आगे की लाइफस्टाइल ये भी मैं जमीन पर बैठ सकता हूँ मिल सकता हूँ आगे जाके मार सकता हूँ सीढ़ी पर चढ़ कर सकता हूँ मतलब वो चीज एक सपना बन के रह गई राइट हाय फ्रेंड्स माय नेम इज डॉक्टर डीपी शर्मा एंड आई एम एमआईएस हिप रिप्लेसमेंट सर्जन आज हमारे साथ पेशेंट हैं मिस्टर युवराज कितनी एज है आपकी युवराज सर 22 तो इनको दोनों हिप्स में एवीएन है ग्रेड 4 है दोनों साइड ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में हमें मेजर ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है जिसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं किस साइड ज्यादा तकलीफ है सर लेफ्ट में ज्यादा प्रॉब्लम और कब से आपको ये तकलीफ ये सर 3 साल हो गए इस चीज और पता कैसे चला आपको इसके बारे में ये स्टार्टिंग में इसमें पेन होना स्टार्ट हुआ था ऐसा लगता था नस चढ़ गई है हाँ फिर सोने में प्रॉब्लम होने लगी सीढ़ियों पे चढ़ने में उतरने में कब ऐसी कहाँ नस खिंचती थी ये नस खिंचती थी बैक इसमें अच्छा लोअर बैक पे हाँ तो ये लोअर बैक पेन होना स्टार्ट हुआ था धीरे धीरे सीढ़ी चलने में प्रॉब्लम होने लगी मैं बाइक चलाता था बाइक में क्या होने लगा गियर शिफ्टिंग नहीं होती थी क्योंकि पैर नहीं उठता था सडनली सडनली कोई सामने आ जाए तो पैर नीचे नहीं जाता था सडनली ये मूव नहीं करता था इजीली हाँ फिर उसके बाद धीरे 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 सोने में दिक्कत आने लगी करवट नहीं लिए जा रहे थे जी और अभी रिसेंटली इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि चला भी नहीं जाता 5 मिनट से ज्यादा खड़ा भी नहीं होता 5 मिनट अगर 2 घंटे एक जगह हम बैठे रहें तो उठने में पहले कुछ कदमों में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी उठने में कम से कम 30 सेकंड लग 30 सेकंड लग जाएंगे ठीक अब आपको दर्द कहां होता है दर्द होता है मेरे यहां मेनली जॉइंट पर जो ये जैसे ये बता रहे हैं बहुत टिपिकल तरीके से बता रहे हैं बुकिश पिक्चर है बुकिश पिक्चर मतलब ऐसा ही होता है इस चीज का नाम भी दिया गया है बर्ड सी साइन ऐसे बताता है पेशेंट तो यही इंपॉर्टेंट बात है कि कई टाइम तक हिप का पेन कंफ्यूज होते रहते हैं लोग बैक पेन से इसलिए कई बार ट्रीटमेंट डिले हो जाता है बैक का दर्द जनरली थाई के पीछे पीछे ही रहेगा और नीचे आएगा चिनमिनी मचेगी पैर में पंजे में हिप का दर्द मेनली आगे की तरफ होता है यहाँ पे जहां ये मेरी उंगली आ रही है वहां पे और धीरे धीरे ये पूरे एरिया में फैल जाएगा क्योंकि स्टिफनेस आएगी तो अभी आप पालती मारने में आपको जो तकलीफ होती है पालती लगती ही नहीं है बिल्कुल लगती ही नहीं कब लगाई थी लास्ट टाइम पालती और लास्ट टाइम आज से 2 साल पहले और कब अच्छे से चले थे लास्ट टाइम 2 साल पहले 2 साल से बहुत ज्यादा तकलीफ में है अच्छा तो 2 साल में कुछ ट्रीटमेंट लिया है आपने हां 2 साल में एक दो जगह दिखाया था पर कोई रिस्पांस नहीं मिला कोई मेडिसिंस के बाद उसका पेन वहीं के वहीं आ जाता था इफेक्ट नहीं फील होता मतलब मेडिसिंस से कोई इसका उपाय नहीं हुआ इलाज नहीं और अब चलने में भी प्रॉब्लम चलने में काफी प्रॉब्लम है ठीक है तो हम आपका एमआईएस रिप्लेसमेंट प्लान कर रहे हैं सिरामिक जो कि सबसे अच्छा है इन द वर्ल्ड सबसे अच्छा है तो कुछ डर या कुछ कंसर्न आपको
नहीं डर कुछ भी नहीं है, डर नहीं लग रहा, नहीं डर ये भी नहीं है कभी ज्यादा ज्यादा जो पेन मैं अभी फील कर रहा हूँ इससे बचने को मिलेगा। हाँ, आगे की पूरी लाइफ है तो वो इजीली जीने को मिलेगी। तो 2 साल इतना ज्यादा लंबा टाइम है कि दर्द की आदत पड़ जाती है, ऐसा आप इमेजिन नहीं कर सकते कि दर्द कैसा होगा। तो हम होप कर रहे हैं, जैसे हमारे सारे पेशेंट्स होते हैं कि 3 महीने में आपके लिए तो आपकी लाइफ पूरी बदल ही जाएगी, क्योंकि पेन का जो मेजर पोर्शन है और जो आसपास में मसल्स भी जकड़ जाती हैं वो सब फ्री होने लगेंगी विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। वेट हम स्लोली स्लोली देना बढ़ाना चालू करेंगे, क्योंकि हम अनसीमेंटेड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अनसीमेंटेड में बोन को ग्रो करने का टाइम देते हैं, इम्प्लांट के अंदर बोन ग्रो हो जाती है, इसी की वजह से वो स्ट्रॉन्गर फिक्सेशन। तो आपको कोई डर लग रहा है? इसको तो नहीं लग रहा, आपको भी नहीं लग रहा, तुम्हें तो कुछ लग रहा होगा, तुम्हारे को दर्द ही नहीं। ठीक है, और क्रैकलिंग साउंड आ रही है, एक्सटर्नल रोटेशन फिक्स हो चुका है। ठीक है, शॉर्टनिंग देखते हैं, लेफ्ट साइड थोड़ा शॉर्ट लगता है, लेफ्ट साइड में करीब करीब 2 इंच की शॉर्टनिंग है। ठीक है, ओके, कोई इन्फेक्शन अभी बॉडी में कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई बुखार है ऐसा कुछ? बुखार हो गया आपका ऑपरेशन जी, कुछ पता चला दर्द हुआ ऐसा कुछ? नहीं, काफी इजीली हो गया। ठीक है, तो हमने युवराज का दोनों साइड का साइमल्टेनियस हिप रिप्लेसमेंट किया है। इसमें दोनों साइड का हिप रिप्लेसमेंट करने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है, यंग सर्जन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, इनफ ट्रेनिंग के बाद ही अटेम्प्ट करना चाहिए एक ही सिटिंग में दोनों साइड का ऑपरेशन करना। MIS से पॉसिबल है, इसमें क्लोजर में टाइम कम लगता है, पेशेंट की एक्टिविटी काफी अच्छे से डिस्क्राइब हो जाती है इसमें, बाद में नीचे बैठना और हम पालती मारना भी आपको अलाउ करेंगे। ठीक है, तो हम एक्सरे देखते हैं इनका एक बार। तो दोनों साइड में, राइट में भी और लेफ्ट में भी, दोनों साइड में ही इनको एवियन था, लेफ्ट साइड ज्यादा खराब था, तो हमने लेफ्ट फर्स्ट किया है इसमें, फर्स्ट साइड हमने लेफ्ट किया है, दूसरी बार जब हमने खत्म कर दिया उसके बाद हमने राइट साइड किया, कि अगर बीच में अबॉर्ट करना पड़ता, अगर हमारे एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर वरुण है, वैसे तो कुछ होता नहीं है पर कभी कभी अबॉर्ट करने का बोलते हैं तो पेशेंट के हित में होता है, तो जरूरी जबरदस्ती भी बायलेटरल नहीं करा जाना चाहिए। तो दोनों साइड हमने सिरामिक यूज किया है इम्पोर्टेड, और हमने एनेस्थीसिया भी स्पेशल दिया है इनको एपिड्यूरल, जिससे पेन बाद में भी बहुत नेग्लिजिबल रहेगा, जितना रहता पुराने एनेस्थीसिया में उसके कम कर। हाँ जी, तो आपके सर्जरी को कितना टाइम हुआ? सर जून में हुई थी, तो इनकी हमने बायलेटरल सिंगल स्टेज सर्जरी करी थी, और दोनों ही हमने DAP से करी थी, डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से, जो MIS टेक्निक होती है उसका स्टैंडर्ड वर्जन है। दोनों ही साइड हमने सिरामिक यूज किया था। तो सर्जरी के पहले आप काफी परेशान थे और लिमिटेशन थी, और जो लिम्फ था वो भी बहुत ज्यादा था, दिक्कत होती थी। तो जो सर्जरी के पहले आपका एक्सपीरियंस था और अब 6 महीने हो गए हैं, अब कैसा लग रहा है आपको? सर्जरी से पहले तो सर 24 घंटे, मतलब 24/7 मेरे पेन रहता था, सोते टाइम पे भी मैं करवट लेता था, जैसे एक पोर्शन में मेरे को नींद आ गई तो आ गई, जरा सा भी मैंने करवट लिया वो पैर हिला, मेरी नींद खुल जाती थी, पूरी रात नींद नहीं आती, पूरी रात नींद नहीं आती थी। और ऐसा कितने टाइम सहन किया आपने? मैंने इसको सहन किया था 2.5 से 3 साल, 2.5 से 3 साल बहुत लंबा टाइम होता है। तो बीच में जो है कई लोग अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट भी एडवाइस कर देते हैं, तो जैसे आयुर्वेद ट्रीटमेंट हो गया, ऐसे सब हो गया, तो आपने क्या क्या ट्राई कर लिया था? मैंने एक्सरसाइज ट्राई करी थी, घर के पास एक भैया रहते हैं, उन्होंने कोई ऑर्थोपैथिक
कुछ दवाई ला करके दी थी कि इससे हो जाएगा, मैंने वो भी ट्राई किया बल्कि उससे उल्टा हुआ। अच्छा। मैंने वो दवाई लेना स्टार्ट करी तो मेरे पैर जो है वो भारी भारी से फील होने लगे जी। मैं सीढ़ियां चढ़ता था तो आधी सीढ़ियां चढ़ने के बाद हिम्मत तोड़ देता था कि अब नहीं चढ़ पाऊंगा, फिर सीढ़ियों पर बैठ के रेस्ट करता था। हाँ। फिर थोड़ी हिम्मत हुई, थोड़ा ऊपर जा पाता था, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता था सही से। और जैसे नीचे बैठना हो, पालती तो आज आपने पालती भी मारी जमीन पर ही बैठे, तो अगर इसका पीरियड हम ले लें तो करीब तीन साल बाद मैं जमीन पर बैठा हूँ। और आपकी जो एज के सब फ्रेंड्स हैं, सब लोग हैं, बाइक चला पाना, पालती मारना, ये सब बहुत नॉर्मल एक्टिविटीज होती है, और वो छिन जाना एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा होता है। तो आपका कैसे आपको चेंज लग रहा है लाइफ में? अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कभी वो प्रॉब्लम आई नहीं थी, एक सपना बन गया वो कि मैं कभी उस प्रॉब्लम, हाँ, एक वो तीन साल का जो टाइम पीरियड था वो एक सपना बन गया कि मैं कभी ऐसी प्रॉब्लम जी हूँ। और घर वाले भी जो हैं आपकी मदद सब सरप्राइज है, सब सरप्राइज है, और परेशानी भी होती है। रिलेटिव्स भी हैं जिन्होंने मेरे को सर्जरी से पहले देखा था जी, फिर सर्जरी के टाइम पे मेरे को देखने आए थे, उन्होंने सिर्फ बेड रेस्ट पे देखा, उसके बाद जब अब देखा वो सडनली सरप्राइज है कि इसको कभी कुछ हुआ नहीं था। और मुझे कोई देखता है मैं उसे बताता हूँ कि भाई मैं तेरे साथ ओवर स्पीड पे नहीं बैठूंगा बाइक पे, क्योंकि मैं अपनी ड्राइविंग पे ट्रस्ट करता हूँ। तो उसे मैं बताता हूँ कि मेरा रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, दोनों जॉइंट चेंज हुए हैं, ट्रस्ट ही नहीं करते, मानते ही नहीं है, कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है भाई, हमने स्ट्रेच मार्क्स वगैरह दिला के ट्रस्ट दिलाया। तो और भी कई सारे डॉक्टर्स को आपने कंसल्ट किया था, देन व्हाई डिड यू चूज कि आप हमारे साथ जाना चाहते हैं? सर मैंने आगरा में भी ट्राई किया था, उन्होंने बोला था कि आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी जी, सीढ़ी पे चढ़ना जी, कुछ भी जमीन से उठाना, आलती पालती नहीं मार पाओगे, जमीन पे नहीं बैठ पाओगे, ब्लू स्टाइल में नहीं बैठ पाओगे, इंडियन टॉयलेट नहीं यूज कर पाओगे, शूज के लेजेस वगैरह ये तो इतना झुकी नहीं पाओगे, ये सब नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि ऐसी सर्जरी करा करके और इतना सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, तो मेरा वैसे ही छुटा हुआ है। सर्जरी के बाद भी मैं एक पैरालाइज्ड वाली जिंदगी जीऊंगा, सर्जरी किस चीज की रही। फिर हम दिल्ली भी गए थे, हाँ दिल्ली में भी हमने एक डॉक्टर से सलाह ली थी, तो उन्होंने मेरे को मतलब डरा दिया था। अच्छा। उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर हम आपके दोनों हिप रिप्लेस करते हैं एक साथ तो आपकी जान जा सकती है, तो मेरे को वहां और डर लग गया। दिल्ली में फिर हम दूसरे डॉक्टर पे भी गए थे, उन्होंने भी यही सेम चीज बोली थी कि तुम जमीन पे नहीं बैठ पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। तो मैंने तो हिम्मत हार दी थी, कैसा कुछ हो पाएगा। फिर एक आंटी जी ने आपके बारे में बताया, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी, फिर हम आपके पास आए, आपसे बात करी, तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से लगा कि हाँ मैं अच्छी लाइफस्टाइल जी पाऊंगा। आपने एक हिम्मत भी बांधी, काफी सपोर्ट भी किया, एज अ फ्रेंड, एज अ बिग ब्रदर आपने बहुत सपोर्ट किया, सब तरीके से हेल्प करी, और साथ के साथ आज एक ऐसी लाइफस्टाइल दे दी कि मैं जमीन पर बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ, आगे बात मार सकता हूँ, सीढ़ी पर चढ़ उतर सकता हूँ, मतलब वो चीज एक सपना बन के रह गई। राइट। हाँ बस अब आपको कोई लिमिटेशन लगती है काम करने आप जाते हो कि ऐसा लगता है कि आपके दोनों हिप बदले हुए हैं? नहीं, फीलिंग में वो बोल पाता है नहीं होता मेरे को, खुद को देखना तो छोड़ो, मेरे को खुद को ये फील ही नहीं होता कि मेरे शरीर के अंदर इम्प्लांट लगा हुआ है। बहुत से जने डरते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा ये बॉडी पार्ट हट जाएगा, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। ऐसे सारे लोग हैं जो जिनको सर्जरी का डर है आपकी एज के, आपके आसपास के, और तो नहीं, तो इसमें मैं अपना फीडबैक सिर्फ यही देना चाहूंगा कि इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है जी। जो आप पेन फील कर रहे हो उस पेन का 5% थोड़ा सा प्लस फील करोगे सर्जरी के 15 दिन तक। यस। जो मैंने फील किया, सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद जो मेरे को दवाइयां लगी थी उससे तो मेरे बॉडी को पूरा रिलैक्स था। जब उसका असर थोड़ा डाउन पड़ता था तो मेरा पुराना वाला जो पेन था ना, जो मैं झेल रहा था 3 साल से, उस पेन पे जैसे ही वो वापस आता था तो थोड़ा सा अजीब लगता था कि अभी तक मैं बिल्कुल रिलैक्स था, अब थोड़ा सा आ गया। एंजाइटी होती है कि ये ठीक होंगे कि नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं फील हुआ था मेरे को कि ये सही होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज मेरी सर्जरी के ही मैं एक दो दिन में चल गया था अपने पैरों पे, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं आने वाले कुछ महीनों में अपनी अच्छी लाइफ जीऊंगा। तो अभी खुश हैं आप? बहुत ज्यादा सर, बहुत अच्छे। तो एक बार हम आपके चलते हुए वीडियोस देखेंगे और एक बार आपको एग्जामिन करेंगे, और नीचे पालती बैठ मारना और ऊपर पोजीशन का एक बार वीडियो देखेंगे, एक बार स्टेयर्स की वीडियो देखेंगे। ठीक है सर।
अभी जो एक पैर भी आपका छोटा बड़ा था वो बराबर लगने लगा, बिल्कुल सर परफेक्ट, बिल्कुल बराबर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, तो इसको मोड़ेंगे, कितना मोड़ पाते हैं? तो पूरा मोशन है आपका, रोटेशन में जो दर्द होता था बिल्कुल भी बिल्कुल दर्द नहीं है। लेफ्ट इज गुड, राइट वे भी एकदम फ्री, यस कोई दर्द नहीं, बिल्कुल गुड। और खुलने में जो तकलीफ होने लगी थी नहीं, बिल्कुल ठीक है। और आपके जो मूवमेंट्स हैं वो भी पूरा रेडी है और लिम्ब लेंथ भी बिल्कुल ठीक है। तो एक बार हम जमीन पे बैठेंगे, ठीक है, बैठेंगे आराम, वेरी गुड, आ जाओ, अरे बहुत कंफर्टेबल, खुद से कर लो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार पालती मारेंगे, क्या हाय फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम, युवराज जी हमारे पेशेंट हैं जिनका हमने सिंगल स्टेज मतलब कि एक ही स्टेज में हमने बाइलेटरल हिप रिप्लेसमेंट किया था डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से। उनके एक्सरेज ऑपरेशन के पहले हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आप एक्सरेज देख रहे हैं, आप देख रहे हैं दोनों साइड के ही हिप में ग्रेड 4 है एवीएन का, और ग्रेड 4 एवीएन में एस्टाबुलम खराब हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाती है। कितनी खराब तरीके से इनको लिम्प आ रहा था 3 साल से, 3 साल दोस्तों बहुत ज्यादा लंबा टाइम होता है, 3 साल से ही वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, उन्हें लिम्प आती थी, उनको ये बहुत खराब लगता था दिल में, बाहर जाना उनके लिए प्रॉब्लम हो गया था, स्टेयर्स वो चढ़ नहीं पा रहे थे, पालती वो मार नहीं पा रहे थे, बाइक वो चला नहीं पा रहे थे, नीचे बैठ नहीं पा रहे थे, इंडियन टॉयलेट यूज नहीं कर पा रहे थे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कितनी ज्यादा तकलीफ वाली चीजें होती हैं, और उनको हमने हमारी स्पेशल MIS टेक्निक से ये सब करने में सक्षम बनाया है, एंड हिज लाइफ इज चेंज्ड। ये आप एक्सरसाइज देख रहे हैं, वेल फिटिंग स्टेम है, अनसीमेंटेड सिरामिक, इम्पोर्टेड बेस्ट क्वालिटी हमने यूज करे हैं इम्प्लांट्स जो बहुत ज्यादा सालों तक चलेंगे। दोस्तों मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, एक डॉक्टर की लाइफ में कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। 2022 की दिवाली की रात थी और मुझे कॉल आया, सर मैं युवराज बोल रहा हूँ, वो यही पेशेंट थे, सर आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी दिवाली बनती नहीं आपको विश करे बिना। और उन्होंने बोला सर आज मैं 3 साल बाद पटाखे को जला के भाग पाया, मेरे लिए एक सपना रह गया था कि पटाखे को जला मैं सकता ही नहीं, क्योंकि उसके बाद जल्दी से मैं हट कैसे पाऊंगा, क्योंकि पैर साथ नहीं देते। इतनी छोटी बात हमें कभी ये स्ट्राइक भी नहीं करी कि ये इतनी छोटी सी बात है कि आप पटाखा नहीं जला पाओ दिवाली पे, कोई छोटी सी बात हो पर ये कितनी बड़ी बात बन गई उस पेशेंट के लिए, और कितना वो खुश हुआ होगा इस बात को फील करने में, यही हमारे लिए सक्सेस है, एंड दिस इज व्हाट कीप्स अस गोइंग एंड कीप ऑन गिविंग बेटर एंड बेटर रिजल्ट्स। आज वो पालती मार रहे हैं, आज आप देख रहे हैं वो कैसे चल पा रहे हैं, वो कुड़ो पोजिशन में बैठ रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं, एंड वी फील वेरी ब्लेस्ड कि हम इतने अच्छे रिजल्ट्स अपने पेशेंट्स को दे पा रहे हैं। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है दोस्तों तो प्लीज आपके एक्सरेज या MRI हमें व्हाट्सएप करें, और आप ऑनलाइन कंसल्ट भी यूज कर सकते हैं अगर आप दूर रहते हैं, जनरली हम दिल्ली, नोएडा और आगरा में प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।